Hey everyone and welcome back to my YouTube channel again India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So as you people know कि GDS का जो result है आ चुका है, जितने भी candidate shortlist हुए हैं वो सब बहुत ही खुश हैं और अपनी जो document verification की process है वो step by step करवा रहे हैं, और जितने भी candidates नहीं select हो पाए बिल्कुल भी sad मत हो, because आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी good news लेके आई हूँ. There is a big good news for you people who are not selected in the first shortlist. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले आती थी GDS की मेरिट लिस्ट, जिसमें सिर्फ एक ही लिस्ट आती थी, उसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया वो फर्दर वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करता है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए प्रोसीड करता है, देन जो है उनका मेडिकल के लिए प्रोसीड करता है, देन होती है उनकी ट्रेनिंग, देन ज्वाइनिंग. बट लास्ट ईयर से कुछ रूल्स चेंज हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आती हैं शॉर्ट लिस्ट. तो ये शॉर्ट लिस्ट एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 शॉर्ट लिस्ट थी, और जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे जो सेलेक्ट हुए हैं स्टेप बाय स्टेप. तो आज की इस वीडियो में मेरे पास उन GDS के लिए गुड न्यूज़ है जो कि फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाए और उनके दिमाग में यही डाउट है कि अब हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. उसमें से एक डाउट ये है कि मैम, हम पहली शॉर्ट लिस्ट में तो हमारा नाम आ गया है, हम किसी रीज़न की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाए, अपनी वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, तो क्या हमें सेकेंड शॉर्ट लिस्ट में, थर्ड में या उससे नेक्स्ट किसी शॉर्ट लिस्ट में मौका मिलेगा या नहीं? एक बार में आपको एक ही बार मौका मिलेगा. अगर आप इस बार किसी भी शॉर्टलिस्ट में सेलेक्ट होते हो और अगर आप नहीं जा पा रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगी आप तभी अप्लाई कर सकते हो, तभी आप अपना दोबारा से प्रोसेस करवा सकते हो. अगर आप एक शॉर्टलिस्ट में आ जाते हो तो दूसरी शॉर्टलिस्ट में आने का चांस आपका नहीं है. बिकॉज शॉर्टलिस्ट इसलिए नहीं है कि एक ही कैंडिडेट को बार बार मौका मिले, शॉर्टलिस्ट इसीलिए निकाली जाती है ताकि जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए या वेरिफिकेशन उनकी डन नहीं हुई है किसी भी रीज़न की वजह से, वो पोस्ट खाली है, तो जो भी एलिजिबल पर्सन है या जो भी विलिंग पर्सन है वो वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए. सो ये गवर्नमेंट ने खुद एक नोटिस में, लीगल नोटिस में ये चीज़ डिक्लेयर करी है कि इस बार फिर से शॉर्टलिस्ट और आएंगी. वो नोटिस क्या है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ, सो वीडियो में एंड तक बने रहें. सो ये वो नोटिस है, ये नोटिफिकेशन जब नई भर्ती निकली थी GDS की 2023 की, उसका ही नोटिस है. उसी में एक यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकती है. द डिपार्टमेंट विल बी कंटिन्यू टू इशू सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट्स अगेंस्ट नॉन टर्न अप एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट इन ड्यू टू कोर्स हु विल टू अगट सेम द प्रोसेस फॉर द वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स प्री एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज. सो कोई भी कैंडिडेट है जो कि वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो उन्होंने गलत डिटेल्स डाली, रिजेक्ट हो जाते हैं या अपनी जो है वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं जाते हैं, या फिर अदर केस में उनका जो है प्री इंगेजमेंट से पहले ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं वो पूरी नहीं होती हैं, ड्यू रह जाती हैं, जो आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है उसके बीच में भी नहीं जाते हो, तो उस केस में भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उस कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जा सकता है. सो उस केस में क्या रहेगा, और सप्लीमेंट शॉर्टलिस्ट जो हैं आएंगी. सो नो फर्दर लिस्ट फॉर द शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट विल बी इशूड आफ्टर 30 जून 2023. एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर दिस डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंगेजमेंट. सो जैसे कि आप लोगों को पता है अभी ये मार्च चल रहा है ना, एंड ऑफ द मार्च आने वाला है. सो मार्च से लेके आप लगा लो अगर 15 दिन का भी टाइम है, अभी ये पहली शॉर्टलिस्ट आई है, जून के एंड तक आपको टाइम है, तो मतलब इस बार भी 5 से ज़्यादा शॉर्टलिस्ट आएंगी. सो बी डोंट वरी अबाउट इट, अगर आपका नाम नहीं आया है काइंडली वेट कि आने वाले जितने भी शॉर्टलिस्ट रहे उनमें किसी ना किसी में आपका नाम ज़रूर हो जाए. और मेरी यही प्रे है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका सिलेक्शन हो जाए, सभी जो भी विलिंग हैं और जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं आपका मैच हो जाए, और जिन्होंने भी गलत इन्फॉर्मेशन भरी है या अपने मार्क्स गलत भरे हैं या सोचा है कि हम ये गलत इन्फॉर्मेशन भर के हम क्लियर कर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार पागल नहीं है. अगर वो वेरिफिकेशन कर रही है तो वो तय तक वेरिफिकेशन करेगी, अपना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भरा करो, भरते वक्त भी बहुत ध्यान रखा करो. बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं कंग्रेचुलेशंस, जितने नहीं हो पाए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना. वेट करो नेक्स्ट शॉर्टलिस्ट का, जैसे ही आ जाएगी मैं अपडेट ज़रूर दूंगी. इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो स्किप ना कर दो, आपको टाइम टू टाइम नई अपडेट्स मिलती रहें. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो. तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.